आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। कह रहा है ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट इज कास्ड बाई, तो ब्लैक रस्ट एक बीमारी होती है गेहूं में, उसकी पत्तियों में काला काला लग जाता है। तो कह रहा है वो गेहूं की ब्लैक रस्ट बीमारी किसके द्वारा होती है, तो ये होती है पक्सिनिया ग्रैमिनिस के द्वारा। तो रस्ट का मतलब जंग होती है, तो जैसे लोहे में जंग लग जाती है वैसे पत्तियों में स्टेम में तने में ब्लैक रस्ट हो जाता है गेहूं के तने में, तो किसके कारण होता है, पक्सिनिया ग्रैमिनिस के कारण। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ब्लैक स्टेम रस्ट इज कार्ड बाई पैक्सीनिया ग्रैमिनिस टिटिसाई, तो कह रहा है कि ब्लैक रस्ट बीमारी जो गेहूं की है वो पैक्सीनिया ग्रैमिनिस टिटिसाई द्वारा होती है। द जीनस पैक्सीनिया इंक्लूड 700 स्पीसीज। तो कह रहा है कि पैक्सीनिया जो जीनस है हमारा उसमें 700 प्रजातियां आती हैं, विच काज्ड रस्ट डिजीज ऑफ मेनी इकोनॉमिक प्लांट्स, जो बहुत सारे इकोनॉमिक प्लांट में रस्ट उत्पन्न करता है, जैसे व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, ओट्स मतलब ज्वार, बाजरा और गेहूं, इन सब में जो है ब्लैक रस्ट किसके कारण होता है, पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिटिसाई के द्वारा। इकोनॉमिक प्लांट मतलब जो हमारे लिए फायदे के हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। विच वन इज द रॉन्ग पेयरिंग फॉर द डिजीज एंड इट्स कैजुअल ऑर्गेनिज्म। रॉन्ग को ध्यान दीजिए, गलत पूछ रहा है। करा निम्नलिखित में से कौन सी गलत है, तो ब्लैक रस्ट ऑफ विच पक्सिनिया ग्रैमिनिस अभी अभी पढ़ चुके हैं। लूज स्मट ऑफ विस्ट अस्टिलेगो न्यूडा द्वारा होता है, रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल मिलोइडी मिलाइडोगाइनी स्पीसीज द्वारा होता है, और लेट ब्लाइट ऑफ प्लूटाइडो अल्टरनेरिया सोलनली, ये गलत है, ये वाला गलत है, डी वाला। इसको देख लेते हैं। अर्ली ब्लाइट जो होता है, बीमारी एक होती है पोटैटो में अर्ली ब्लाइट, तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होती है अल्टरनेटिया सोलेनी द्वारा, ना कि लेट ब्लाइट, इसको ध्यान देना है। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके द्वारा होती है, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस द्वारा, और अल्टरनेरिया सोलेनी द्वारा होती है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज, इसको ध्यान देना है। लेट ब्लाइट होती है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा, और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होती है अल्टरनेरिया सोलेनी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बैसिडियोमाइस्टिस, तो कह रहा है बैसिडियोमाइस्टिस के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो बर्ड नेस्ट फंजाई और पफवाल, ये बैसिडियोमाइस्टिस के अंतर्गत आते हैं। इसको देख लेते हैं। तो 93 का डी आ गया। तो देखिए बता रहा है कि द साइएथस इज नोन एज बर्ड नेस्ट फंजाई। साइएथस को हम लोग बर्ड नेस्ट फंजाई कहते हैं, जैसे चिड़िया का घोंसला वाला कवक। एंड लाइकोपर्डान इज कॉल्ड पफबाल, और लाइकोपर्डान को पफबाल कहते हैं। बोथ दीज फंजाई बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ क्लब फंजाई आर बैसिडियोमाइस्टिस, इन दोनों को क्लब फंजाई या बैसिडियोमाइस्टिस के अंतर्गत रखते हैं, बैसिडियोमाइस्टिस को ही क्लब फंजाई कहते हैं। दीज फंजाई प्रोड्यूस स्पोर्स इनसाइड क्लब सेप्ड फ्रूट्स,
बॉडीज कॉल्ड बैसिडियम। अब क्लब फंजाई क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो बीजाणु है जिसको स्पोर कह रहे हैं, तो वो क्लब शेप एक फ्रूट बॉडी होती है, स्ट्रक्चर होता है जिसको फ्रूट बॉडी कहते हैं, उसके अंदर पाया जाता है, जिसको हम दूसरे नाम से बैसिडियम भी बोलते हैं। तो उसका आकार क्लब शेप होता है, इसलिए इसको क्लब फंजाई कहते हैं। टिपिकली बैसिडियम हैज फोर बैसिडियो स्पोर प्रोड्यूस एक्सोजिनसली। तो ये बैसिडियम में क्या होता है, चार प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं जिनको बैसिडियो स्पोर बोलते हैं, और ये एक्सोजिनसली यानी बाह्य जनित उत्पन्न होते हैं। पीजिया, मोरकेला तथा क्लेविसेप्स बिलोंग्स टू एस्कोमाइस्टिस, जो ऑप्शन में हमारे दिए गए हैं, पेजिजा, मोरकेला और क्लेविसेप्स, ये सब एस्कोमाइस्टिस के अंतर्गत हैं, और ये सब एस्को स्पोर उत्पन्न करते हैं बीजाणु के रूप में इन एस्कोकार्प, एस्कोकार्प के अंदर जो थैले लाइक स्ट्रक्चर होगा जहाँ पर ये इसको स्पोर बीजाणु पाए जाएंगे उसको इसको कार्प बोलेंगे। जैसे जो बैसिडियोमाइस्टिस के स्पोर पाए जाते थे जहाँ पर थैले जैसी संरचना में, उसको बैसिडियम कहते थे। मशरूम आर बैसिडियोमाइस्टिस फंजाई, जो मशरूम है हमारा ये बैसिडियोमाइस्टिस के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल कंडीशन आर इसेंशियल फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ म्यूकर ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। कह रहा है निम्नलिखित में से चार ये जो विकल्प दिए गए हैं, इनमें कौन सा कंडीशन म्यूकर का रोटी पर उगना, जो रोटी पर फफूंदी लग जाती है काली काली, उसको म्यूकर कहते हैं। तो म्यूकर का रोटी पे उगना, मतलब उगने के लिए कौन सा कंडीशन सबसे ज्यादा सुइटेबल होगी उसके उगने के लिए। तो 94 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसको देख लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी रूम टेम्परेचर होना चाहिए लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अबाउट 95%, और नमी हो, बहुत नमी ज़्यादा होनी चाहिए, इसीलिए ज़्यादा है 95%। और ई है ए सैडी प्लेस, छायादार स्थान, तो छायादार स्थान होना चाहिए, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए, और नमी ज़्यादा होनी चाहिए, तो वहाँ पर फफूंदी उग जाती है। तो ए डी ई हमारे सही हैं जो दिए गए हैं, तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 94 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो 94 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसको देख लेते हैं। म्यूकर इज ए फिलामेंटस फंगस फाउंड इन ह्यूमस ऑफ सॉइल डिकेइंग फ्रूट वेजिटेबल। कह रहा है म्यूकर जो है यह तंतुमय कवक है, और कहाँ पाया जाता है, ह्यूमस ऑफ सॉइल, जहां पर सॉयल का ह्यूमस हो, ह्यूमस का मतलब पांस जिसको बोलते हैं, गोबर से जो पांस बन जाती, डिकेइंग फ्रूट जो अपघटित होने वाले फल हैं हमारे या सब्जियां हैं उनमें पाया जाता है। इट इज कॉमनली नोन एज ब्लैक माउल्ड, इसको जो है हम लोग ब्लैक माउल्ड कहते हैं। मोस्ट ऑफ द म्यूकर स्पीसीज आर अनेबल टू ग्रो एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द स्ट्रेन आइसोलेटेड फ्राम ह्यूमन इन्फेक्शन आर यूजुअली वन ऑफ द फ्यू थर्मोटॉलरेंट म्यूकर स्पीसीज कॉलोनी ऑफ म्यूकर। तो ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द म्यूकर स्पीसीज आर अनेबल टू ग्रो एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बहुत कम मात्रा में म्यूकर की स्पीसीज उग पाती है। एंड द स्ट्रेन आइसोलेटेड फ्राम ह्यूमन इन्फेक्शन, और ह्यूमन में जो संक्रमण होता है उससे भी इसको अलग किया गया है, स्ट्रेन को या तंतु को म्यूकर के। आर यूजुअली वन ऑफ द फ्यू थर्मोटॉलरेंट म्यूकर स्पीसीज, और ये जो मनुष्य में पाई गई ये थर्मोटॉलरेंट म्यूकर स्पीसीज थी, यानी टेम्परेचर के प्रति बहुत उदासीन, टॉलरेंट। कॉलोनी जा म्यूकर ग्रो रैपिडली एट 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड,
तो जो म्यूकर की कॉलोनी है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रो करती है, और नमी 90 से 95 डिग्री परसेंट है अगर, तो बहुत जल्दी इसकी कॉलोनी किसी सरफेस पर उगती है। सरफेस ऑफ एगार, एगार के ऊपर उगती है। एगार का मतलब सूजी जो हम लोग खाते हैं। इट रिक्वायर्ड मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेज फॉर इट्स ग्रो, इसके लिए नमीदार और छायादार स्थान होना होने पर ज्यादा आसानी से उगता है। मैनी स्पीसीज ऑफ म्यूकर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग और रोटिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो बहुत सारे म्यूकर के कारण ही हमारे फल और सब्जियां खराब होती हैं। ए फ्यू स्पीसीज एग्जाम्पल म्यूकर प्यूसिलस, म्यूकर पसिलस आर पैथोजेनिक टू मैन। म्यूकर पसिलस एक ऐसी बीमारी है जो आदमी के लिए भी बीमारी करने वाली है। हम 95 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कह रहा है कि विच फंगल डिजीज स्प्रेड बाई सीड एंड फ्लावर, कह रहा है कौन सी ऐसी फंगस यानी कवक की प्रजाति है जो फल और फूल और बीज के द्वारा फैलती है बीमारी। तो लूज स्मट ऑफ व्हीट, लूज स्मट ऑफ व्हीट जो है यह सीड और फ्लावर के द्वारा फैलती है। तो 95 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो 95 का ए सही है। इसका विस्तार ज्यादा नहीं पढ़ना क्योंकि एनसीईआरटी में इसका डिटेल नहीं दिया गया है, बस इतना ही याद रखिए क्वेश्चन बहुत है। आगे 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स टॉक्सिन ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशन ऑफ क्रॉप प्लांट, तो कह रहा है कि जब हम फसल वाले पौधों को एक जगह इकट्ठा करते हैं, जैसे मान लीजिए कि गेहूं को काट काट करके एक जगह इकट्ठा करें, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टॉक्सिन सिक्रीट करता है, तो एस्परजिलस और पेनिसिलियम। 96 का देखते हैं आंसर। 96 का ए और बी, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस बोथ प्रोड्यूस टॉक्सिन इन स्टोरेज सीड एंड ग्रेन्स। जब हम सीड और ग्रेन्स यानी बीज और अनाज इकट्ठा करते हैं तो एस्परजिलस और पेनिसिलियम टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं। जो एस्परजिलस होता है हमारा, ये एफ्लाटॉक्सिन फ्रूट के लिए उत्पन्न करता है। फ्रूट के लिए उत्पन्न करता है। पेनिसिलियम हमारा येलो राइस टॉक्सिन इन राइस बार्ले एंड कॉर्न। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, बस इतना समझिए कि पेनिसिलिन और एस्परजिलस से टॉक्सिन उत्पन्न करते हैं। बहुत डिटेल एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बस आपको ये चीजें पता हो जाएं यही बहुत है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कार्ड बाई पक्सिनी, अभी पीछे पढ़ चुके हैं। तो 97 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, पीछे इसका डिटेल भी पढ़ चुके हैं। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कालूमेला स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फाउंड इन द स्पोरेंजियम ऑफ राइजोपस, राइजोपस काला होता है तो कालूमेला। फंगस है, कवक है, रोटी में जैसे लगता है तो काले रंग की रोटी में काला काला लग जाता है, तो कालूमेला का संबंध राइजोपस से, बस इतना याद रखिए, ज्यादा डिटेल याद नहीं करना। तो राइजोपर जो है हमारा सेप्रोफाइटिक फंगस होता है यानी मृतोपजीवी, एंड ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो ये कहाँ ग्रो करता है, जहां पर मृत पदार्थ पाए जाते हैं। अब देखिए पूरा छोड़ देना है, बस इतना ध्यान देना है। कह रहा है स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर का मतलब जिसमें स्पोरेंजियम बनती हैं वो टहनी,
ये स्पोर एंजियोफोर है। अब यहाँ पर यहाँ स्पोर भरे रहेंगे यानी बीजाणु इसके भरे रहेंगे, बीजाणु भरे रहेंगे। और ये पीछे का पोर्शन इसको कालूमेला बोलते हैं, कालूमेला। अब ये जब हवा में हिलता है तो ये स्पोर मतलब वातावरण में फैल जाते हैं यानी इनका डिस्पर्शन होता है, बिखराव होता है हवा चलने पर इधर उधर जब ये हिलता डुलता है। तो इसको पढ़ लेते हैं, कह रहा है स्पोर एनजीओ फोर जो हमने फिगर पूरा बनाया जिसमें स्पोर एनजीओ ऊपर भरे हुए हैं, आर स्पेशलाइज हाइफी, ये स्ट्रक्चर जो खड़ा बनाया था ये हाइफी कहा जाता है, दैट बियर से स्पोर एनजीएम, जिसके ऊपर स्पोर एनजीएम था छोटा सा जिसमें स्पोर भरे थे, एट दियर टिप, उसके ऊपर वाले टिप पर, इन साइड कालूमेला डोम सेप्ड स्टेराइल पोर्शन द स्पोर एनजिया। और जो पीछे का भाग था जैसे हमने इसको ऐसे बनाया था इस तरीके से, तो यहाँ पर तो स्पोर भरे थे, अब ये पूरा जो पीछे का भाग है ये स्टेराइल होता है मतलब ये नपुंसक होता है एक तरह से, पोर्शन द स्पोर एंजिया, अब इसी को पूरे को स्पोर एंजिया बोलेंगे। तो ये अंदर वाला भाग है कालूमेला कहलाता है, इन साइड कालूमेला डोम शेप्ड स्टेराइल पोर्शन द स्पोर एंजिया। ये डोम शेप स्टेराइल मतलब गुम्बद की तरह स्टेराइल स्पोर एंजिया होती है और बाकी ये कालूमेला होता है। इट हेल्प इन डिस्पर्सन ऑफ स्पोर एंड यूजली परसिस्ट इवन आफ्टर बर्स्टिंग ऑफ द स्पोरेंजियम। ये क्या करता है, ये जो इसके ऊपर के स्पोर हैं बीजाणु हैं उनको हवा के चलने पर इधर उधर डिस्पर्स मतलब फैला देता है ताकि अपना फिर से कहीं दूसरी जगह उगे जा करके, और उनके बिखरने के बाद भी आफ्टर बर्स्टिंग ऑफ द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के फटने के बाद भी ये मौजूद रहता है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, पक्सिनिया फॉर्म्स यूरिडिया एंड टीलिया ऑन व्हीट्स। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एनसीईआरटी में छोड़िए, एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए नहीं पूछा जाएगा, बस इतने याद कर लिए, पक्सिनिया फॉर्म्स यूरिया एंड टीलिया ऑन व्हीट लीव्स। अब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि व्हीट में ही पाया जाता है। माइकोराइजा इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज, अब माइकोराइजा जो है दो चीजें हमने पढ़ी थी, लाइकेन जो था हमारा वो शैवाल और कवक का सहजीवन था, और माइकोराइजा कोई बड़े प्लांट की जड़ और कवक का सहजीवन है। तो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ सम हायर प्लांट्स, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप मतलब सहजीवी संबंध बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ सम हायर प्लांट, कवक कवक और बड़े विशाल पौधों की जड़ें। तो 100 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ये पीछे हमने इसको जो है विस्तार में बताया भी है। अब इसमें देखें नीचे यही सब लिखा गया है कि जो फंगल हाइफी है, ये जो फंगस की हाइफी है, ये जो पौधा है बड़ा पौधा है उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करती है भोजन, एंड इन रिटर्न इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लेकिन फायदा क्या करती है, जमीन से न्यूट्रिशन और जो सरफेस एरिया है जड़ों की वो बढ़ा देती है, जिससे पानी जमीन से और खनिज पदार्थ सोखने में पौधे को आसानी रहती है। तो पौधा इसको शरण देता है, इसके शरण देने के शरण देता है तो कवक इसका क्या फायदा करता है कि सरफेस एरिया बढ़ा देता है जड़ों की, जिससे खनिज पदार्थ और पानी आसानी से इसमें सोख करके जा पाता है। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं, द ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज अ फंगल डिजीज कार्ड बाई पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिटिसाई। ज्यादा विस्तार नहीं पढ़ना है, बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, और इससे ज्यादा पूछा भी नहीं जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी में ज्यादा दिया नहीं। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, देखिए गलत हमसे पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है। तो
तो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि स्यूडोपोडिया लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोआ, जबकि ये गलत है। हमने किस में पढ़ा था, अमीबॉयड प्रोटोजोआ में, अमीबा में कूटपात पढ़े थे और किसी में स्पोरोजोआ में नहीं। तो अमीबॉयड में होता है, स्पोरोजोअन में नहीं होता, इसलिए यही सी वाला ऑप्शन हमारा गलत। अब सही वाले भी देख लेते हैं। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ फंजाई एंड प्लांटी। तो जितने भी प्लांट के अंतर्गत आते हैं उनमें सब में सेल वॉल पाई जाती है। वो अलग बात है कि जो कवक यानी फंजाई हैं उनमें जो सेल वॉल होती है वो काइटिन या फंगल सेलुलोज की बनी होती है, और प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है। मशरूम बिलोंग्स टू बैसिडियोमाइसिटिस, मशरूम बैसिडियोमाइसिटिस के अंतर्गत आता है। माइटोकांड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा। जो माइटोकांड्रिया है इसके अंदर एटीपी का निर्माण होता है। जैसे हमारे जीवन में पैसा महत्वपूर्ण है, पैसे के जो सिक्के होते हैं, ये पैसा एक तरह से ऊर्जा है, इससे जो चाहो खरीद लो। तो उसी तरह से माइटोकांड्रिया के अंदर ऊर्जा एटीपी के रूप में इकट्ठा होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट उसका फुल फॉर्म होता है। तो माइटोकांड्रिया कोशिका में पावर हाउस इसीलिए कहा जाता है, जैसे बिजली का पावर हाउस होता है, ऐसे ऊर्जा का पावर हाउस कोशिका के अंदर हमारा माइटोकांड्रिया होता है। वहीं पर एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखिए बात आ गई किंगडम मोनेरा की, तो मोनेरा में वो एक कोशिकीय जीव आते हैं जिनके अंदर झिल्ली से बंद अंग नहीं पाए जाते, जिनको हम प्रोकैरियोट कहते थे, प्रोकैरियोट कहते थे। तो जब झिल्ली से बंद आर्गन पाए नहीं जाएंगे तो माइटोकांड्रिया उनमें कैसे पाई जाएगी, क्योंकि माइटोकांड्रिया में झिल्ली होती है, झिल्ली से बंद अंग है। तो इसीलिए माइटोकांड्रिया चूंकि उत्पन्न नहीं होती है, तो इसीलिए किंगडम मोनेरा में माइटोकांड्रिया नहीं पाई जाती। तो डी ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। तो सी गलत है, रॉन्ग पूछ रहा है हमसे गलत वाला, तो सी वाला हो जाएगा, बाकी ए बी और डी सही है। अब इसको विस्तार से थोड़ा देख लेते हैं। स्यूडोपोडिया इज द लोकोमोटरी ऑर्गन इन अमीबॉयड प्रोटोजोअन। जो स्यूडोपोडिया था ये प्रचलनशील अंग किसमें है, अमीबॉयड प्रोटोजोआ में, जिसके अंतर्गत हमारा अमीबा आता है। फ्लैजलेटेड प्रोटोजोअन पासेस फ्लैजला फॉर लोकोमोशन। जो कसाब युक्त प्रोटोजोआ हैं उनमें कसाब पाए जाते हैं प्रचलन के लिए। एग्जाम्पल इसका क्या है, ट्रिपैनोसोमा। इन स्पोरोजोअन लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया फ्लैजला स्यूडोपोडिया एक्सेट्रा आर एब्सेंट। जो स्पोरोजोअन है ये स्पोर यानी बीजाणु की तरह पड़े रहते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का लोकोमोटरी अंग नहीं पाया जाता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है। सीलिएटेड प्रोटोजोअन पास है सीलिया एस लोकोमोटरी ऑर्गन। जो सीलिएटेड प्रोटोजोअन है उनमें सीलिया यानी पक्षमाभ पाए जाते हैं प्रचलन के लिए, जैसे एग्जाम्पल हमारा पैरामीसियम। अब 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सेलवाल इज एब्सेंट इन, तो माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होगी सेलवाल, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेलवाल नहीं होती और सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स होता है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसको पीपीएलओ भी कहते हैं, तो इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए जो माइकोप्लाज्मा है इसको किंगडम मोनरा के अंतर्गत रखा गया है। सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट, सबसे सरल और छोटा, सबसे छोटा फ्री लिविंग प्रोकैरियोट है। विच आर डिवाइड ऑफ ए सेल वॉल, डिवाइड ऑफ ए सेल वॉल, इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल ऑफ माइकोप्लाज्मा। नॉस्टाक इज ए साइनोबैक्टीरिया, सारे क्वेश्चन दे दिया है, आंसर दे दिया। नॉस्टाक जो होता है साइनोबैक्टीरिया है, ये भी किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आता है। इन विच सेल कंप्राइजेज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस,
इसकी सेलवाल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेंस की। एस्परजिलस इज ए फंगस, एस्परजिलस जो है हमारा ये फंजाई होता है। इन विच सेलवाल इज मेड अप ऑफ काइटिन, सेलवाल जो है काइटिन की बनी होती है। फ्यूनेरिया इज ए ब्रायोफाइट, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट है, किंगडम प्लांटी के अंतर्गत आता है और इसकी सेलवाल जो है वो सेलुलोजिक होती है नेचर में, यानी लगभग सेलुलोज जैसी होती है या सेलुलोज की बनी होती है। नेचर इसका प्रकृति जो है सेलुलोजिक होता है। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, अब जो प्रोकैरियोट होगा उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगी क्योंकि कोशिका के अंदर झिल्ली से बंद अंग प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते। तो नास्टाक और एनाबिना हमने पढ़ा था कि ये प्रोकैरियोट के अंतर्गत आते हैं, इसलिए 104 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 104 का देखिए सी ऑप्शन, एनाबिना इज ए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एनाबिना और नास्टाक एनाबिना ये ब्लू ग्रीन एल्गी थे, साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आते थे और प्रोकैरियोट थे, इसलिए इनमें झिल्ली से बंद अंग नहीं पाए जाएंगे कोशिका के अंदर, इसीलिए जो है इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। विच बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आएंगे, प्रोकैरियोटिक है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी इनको कहा जाता है। लाइक ऑल अदर प्रोकैरियोट इट लैक ए ट्रू न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स। तो जैसे अन्य प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते एब्सेंट होते हैं, तो उसी की तरह इनमें भी न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिर से देखिए भाई क्वेश्चन आ गया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। तो अभी हमने पढ़ा है कि नास्टाक एनाबिना ये प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस कोशिका के अंदर होता है और मेम्ब्रेन उसमें पाई जाती है यानी झिल्ली पाई जाती है, और झिल्ली से बंद ऑर्गन प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते। तो चारों ऑप्शन में जो भी प्रोकैरियोट यानी मोनेरा में रखा गया होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो डी वाला ऑप्शन मोनेरा के अंतर्गत आता है, नास्टाक और एनाबिना बार बार चिल्ला के बता रहे हैं, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए 105 का डी सही हो गया। तो पेनिसिलियम एंड एगेरिकस आर फंजाई व्हाइल वॉलवॉक्स इज एल्गा, तो पेनिसिलियम एगेरिकस ये सब फंजाई है, वॉलवॉक्स हमारा एल्गा यानी शैवाल है। ऑल थ्री आर यूकैरियोट, ये तीनों जो है यूकैरियोट के अंतर्गत आएंगे, दस हैव ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, इसलिए इनके अंदर झिल्ली से बंद केंद्रक पाया जाएगा। नास्टा की जो साइनोबैक्टीरिया, इसी को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, नील हरित शैवाल प्रोकैरियोट के अंतर्गत आएगा और इसमें सत्य न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी। तो 105 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक सौ छह नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज एग्जिबिटेड बाई, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक का मतलब परपोषी। तो ये फंजाई में हम लोगों ने पढ़ा है कि सड़ी गली पदार्थों में आप घटक के रूप में पाए जाते हैं। तो 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 106 का बी ऑप्शन देखिए हमारा करेक्ट हो गया। क्या कह रहा है, द ट्रू फंजाई आर द यू माइस्टीज आर स्पेशल टाइप ऑफ ए क्लोरोफिलस थैलोफाइटिक ऑर्गेनिज्म लिविंग ए पैरासिटिक आर ए सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ एग्जिस्टेंस। तो कह रहा है जो सत्य फंजाई हैं जिनको यू माइस्टीज कहते हैं, जैसे यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया सत्य बैक्टीरिया कहते थे, वैसे यू माइस्टीज को ट्रू फंगस बोलते हैं। तो इनमें स्पेशल टाइप का ए क्लोरोफिलस थैलोफाइट ऑर्गेनिज्म होता है। ए क्लोरोफिलस का मतलब जिसमें क्लोरोफिल अनअब्सेंट हो, ए का मतलब अब्सेंट यानी हरित लवक नहीं पाया जाता,
थैलोफाइटिक है, मतलब इनका तंतु जैसा शरीर होता है। लिविंग ए पैरासाइट, परजीवी की तरह रहते हैं। आर ए सैप्रोफाइटिक, मृतोपजीवी की तरह जीवन जीते हैं। दे आर ऑलवेज हेटरोट्रॉपिक, ये हमेशा परपोषी होते हैं, एंड नेवर ऑटोट्रॉपिक। तो दे आर ऑलवेज हेटरोट्रॉपिक, नेवर ऑटोट्रॉपिक। स्वभोजी या स्वपोषी कभी नहीं होते हैं, ये हमेशा जो है परपोषी ही होते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड एंड अदर ग्रुप ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ग्रीन प्लांट दैट आर ऑटोट्रॉपिक। तो ये दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं। अब इनके अलावा जितने भी शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनमें सब में क्लोरोफिल यानी हरित लवक पाया जाता है। ग्रीन प्लांट, हरे पौधों में भी हरित लवक पाया जाता है, और ये सब इसीलिए प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसीलिए ये ऑटोट्रॉफिक हैं यानी स्वपोषी हैं। तो अब किंगडम एनिमालिया, अगले लेक्चर में हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। आज बस यहीं तक।